अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जंगल में कौन सा ऐसा जानवर है जो सभी को मार सकता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में शेर का ही चेहरा आता है और इन्हें जंगल का राजा भी तो कहा जाता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये सभी कुछ मजाक समझेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल जितने इंसानों को शेर मारता है उससे 5 गुना ज्यादा तो हिप्पो ही मार देता है। ये तो ठीक नहीं है। हम किसी जानवर के खतरनाक होने की वजह इंसानों से जोड़ के देखते हैं। वैसे तो इंसान जानवरों से काफी ज्यादा खतरनाक है। चलो खैर छोड़िए इस बातों को। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे नीचे शार्क आती है जो केवल 10 लोगों को ही हर साल मार पाती है। और अगर इस लिस्ट में इंसान खुद होते तो सबसे टॉप पर इंसान ही होते जो इंसानियत के दुश्मन माने जाते। लेकिन चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि हर साल शेर और हाथी जैसे जानवर तकरीबन 100 लोगों का शिकार कर लेते हैं। एक पानी का गुंडा है जिसे हम हिप्पो भी कहते हैं, ये इन दोनों से 5 गुना ज्यादा इंसानों का शिकार करता है। और हाँ, यही वजह है कि जंगलों से इंसान विलुप्त होते जा रहे हैं। आपको ये मजाक लग रहा होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस विशाल गुंडे का विशाल मुंह देखिए। अगर इसके मुंह में खाली का भी सर फंस जाए तो उसका भी चकनाचूर होना तय है। लेकिन इस वीडियो में देखिए, ये टकला टूरिस्ट इस गुंडे को देखकर अपनी कार रोकने को कहता है और ये हिप्पो के पास आने का वेट करने लगता है। लेकिन इस गंजे को क्या पता कि ये हिप्पो इसके सिर को देखकर उसे तरबूज समझ बैठता है और वो इसके सर की वजह से ही इसके नजदीक आता जा रहा है। और जब इस हिप्पो को यकीन हो जाता है ये एक टकला नहीं ये तरबूज है, तो इसे खाने के लिए ये हिप्पो दौड़ लगा देता है। जिससे हमको ये समझ में आ जाता है कि हर साल हिप्पो की वजह से इंसान क्यों मारे जाते हैं। दोस्तों वैसे तो अफ्रीका में गरीबी बहुत ज्यादा है, ये बात तो आप बहुत ही अच्छे से जानते ही हैं। जैसे कि इस वीडियो में इन बच्चों को स्कूल रोज नदी पार करके जाना पड़ता है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इन हिप्पो को इंसानों का सर एक तरबूज की तरह लगता है, जिसे देखकर हिप्पो पगला जाता है। क्योंकि दोस्तों हिप्पो को तरबूज खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। और ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। इस हिप्पो को शायद इन बच्चों का सर एक तरबूज लगता है तो ये फटाफट डाइव मार कर आने लगता है और वो बच्चों के सर को खाने की दौड़ में कोशिश करने लगता है। क्या आप इन गुंडों के पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं? सबसे पहले तो इन दरियाई घोड़ों का वजन 1.5 टन से 4 टन तक होता है। इसके साथ ही इनकी हाइट करीबन 14 फीट तक होती है और दिन का करीबन 16 घंटे इनको पानी में ही गुजारना पसंद होता है। और पानी में ही घुसे घुसे ये किसी चोर की तरह अपने सिर और आंखों को इस तरीके से बाहर निकाले रखते हैं जैसे कि ये किसी पुलिस से छुप रहे हों। करीबन 2 टन के ये भारी हिप्पो एक अच्छे तैराक भी होते हैं और अंडर वाटर तैराकी में एक अच्छे से अच्छी मछली भी इनसे मात खा जाए। 500 इंसानों को हर साल मारने वाले और मगरमच्छ जैसे जानवरों को भी तोड़ कर रख देने वाले ये हिप्पो बस मजे के लिए ही करते हैं। क्योंकि ये हिप्पो सिर्फ और सिर्फ घास खाना ही पसंद करते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से ही शाकाहारी होते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये जानवर मांसाहारी होते तो शेर और मगरमच्छ इनके मनपसंद खाना होते और शायद शेर और मगरमच्छ जंगल से विलुप्त हो चुके होते। तो दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनना, ये हिप्पो इंसान के पास हथियार होते हुए भी कैसे इंसान के हथियारों से बचकर और इंसानों को ही मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि दोस्तों हिप्पो की चमड़ी 4 सेंटीमीटर मोटी होती है और इसी वजह से बंदूक से निकली गोली इनका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पाती। बल्कि एक अनुमान के मुताबिक हिप्पो को मारने के लिए रॉकेट लॉन्चर आपके पास होना बहुत जरूरी है। और अगर इन हिप्पो की चमड़ी को इनकी बॉडी से अलग कर उसे ही सिर्फ वजन किया जाए और चमड़ी का ही वजन सिर्फ और सिर्फ 1 टन के आसपास होगा, और इन्हीं सब बातों से आप हिप्पो का लोहा मान लीजिए कि कोई भी ऐसा जानवर जंगल में मौजूद नहीं है जो इन हिप्पो को मार सके। हाँ ये बात अलग है कि एक हिप्पो दूसरे हिप्पो को मारने में लगा हो, यहाँ तक कि मगरमच्छ जो पानी में एक और गुंडे होते हैं ये भी हिप्पो के साथ तालाब में रहते हुए भी इन हिप्पो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। बल्कि हिप्पो की जब सटक जाती है तो हिप्पो इन मगरमच्छ का बहुत ही कुछ बिगाड़ देता है। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, जैसे कि आप इस मगरमच्छ को देखो, आज इसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। और अगर दोस्तों अफ्रीका के जंगलों के फूड चैन की बात करें तो हिप्पो सबसे टॉप पर होते हैं। क्योंकि एक शेर जब शिकार करता है तो वह अपना पेट भरने के लिए शिकार करता है और ठीक ऐसा ही मगरमच्छ भी करता है। लेकिन एक हिप्पो फालतू में हिरन भैंस को नहीं बल्कि शेर मगरमच्छ जैसे जानवरों को मार देता है और बस मार के ऐसा ही छोड़ देता है। ऐसे ही आप एक शेर को देखो जो कि पानी पीने में मस्त था, लेकिन शेर को ये नहीं पता चला कि ये हिप्पो का एरिया है। लेकिन जब हिप्पो इंसानों के एरिया में आ जाते हैं तब क्या होता है? दोस्तों जब पाब्लो एस्कोबार जो कि अपने समय का बहुत बड़ा ट्रक माफिया था, उसने अपने प्राइवेट जू में 2 हिप्पोस के जोड़े मंगाए, लेकिन पाब्लो के मरने के बाद
जू में से सभी जानवरों को हटा दिया गया, लेकिन हिप्पो को नहीं हटाया गया और आज दो हिप्पो से इन हिप्पोस की संख्या 120 तक हो गई है, क्योंकि इन हिप्पो को कोई खतरा ही नहीं और इंसान भी इनसे दूर ही रहते हैं, क्योंकि कौन इनके बड़े मुंह और लंबे नोकीले दांतों का शिकार होना चाहेगा। लेकिन हाँ, ये इन दांतों से आपस में ही जरूर लड़ बैठते हैं और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हिप्पो ने अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश की। इसके अलावा कई बार एक बड़ा पुराना हिप्पो एक अभी अभी जवान हुए हिप्पो को बस इसलिए मार देता है कि वो ग्रुप में ये दिखाना चाहता है कि उससे ताकतवर कोई नहीं। अब आप इस वीडियो को देखिए, इसमें ये बेचारा बच्चा अपने ही बाप से जान बचाकर भागे जा रहा है, लेकिन बेचारा बच्चा भागने में असमर्थ रह जाता है और आखिरकार उसकी जिंदगी हिप्पो के मुंह में खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा सिर्फ हिप्पो ही नहीं करते, बाप का बच्चों को मारना जंगली जानवरों के बीच बड़ी ही आम बात है। और दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता तो हम इन्हें जंगली नहीं कहते, और इन जंगली जानवरों में कुछ तो इतने जंगली होते हैं कि वो अपने बच्चों को मार कर खा भी जाते हैं। दोस्तों, हिप्पो तो 500 लोगों को हर साल मारते ही हैं, जो कि किसी खतरनाक कीड़े के मुकाबले में काफी कम है। जैसे कि एसेसियन बग, जो हर साल करीब 10,000 लोगों को मार देते हैं, और ये कोई ऐसे वैसे कीड़े नहीं होते, बल्कि ये शिकार करने में माहिर जीव होते हैं। और किसी बड़े ही जानवर की तरह पहले शिकार को लॉक करना और फिर उस पर अपनी निगाहें गड़ाए रखना और लास्ट में हमला कर उस शिकार को मार कर खा जाना, ये तरीका इन्हें बहुत ही उम्दा शिकारी बनाता है। और तो इनकी शक्ल आप कायदे से देख लीजिए, क्योंकि हर साल 10,000 इंसानों को मार देना कोई आसान बात थोड़ी ना है। इसीलिए दोस्तों, अच्छे से देख कर पहचान लीजिए ताकि आप इनसे बच सको। दोस्तों, कई बार तो आपने पक्षियों को हिप्पो के ऊपर बैठे हुए देखा होगा, जिसे देख कर लगता है कि ये हिप्पो इतने आलसी होते हैं कि पक्षियों को अपनी पीठ से उड़ाने की भी मेहनत नहीं करना चाहते, बस खाकर आराम करना ही इनके जीवन का लक्ष्य लगता है। लेकिन जो जैसा दिखता है वैसा ही हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसी तरीके से आप हिप्पो को भी बिल्कुल भी कम मत समझना। अफ्रीका के जंगलों में इस जानवर को सबसे ताकतवर माना जाता है, जो हर साल कई जानवरों को मौत के घाट उतार देता है। ये हिप्पो वजन में शेर से काफी ज्यादा होता है, ये तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये भारी वजन के बाद भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शेर को खदेड़ सकता है। इनके जबड़े और दांत इतने मजबूत होते हैं कि ये शेर जैसे जानवर के भी पल में हड्डियां तोड़ सकते हैं। तभी तो आपने शेर को हिप्पो के ऊपर हमला करते हुए बहुत कम ही देखा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, और लाइक भी करते जाना। अमेजोन के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं। कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं, और वह हमारी दुनिया से कॉन्टेक्ट में भी है, और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।